हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज गाड़ी ख़राब हो गई थी और ये नंगी ले गया था गाड़ी अपने इससे तू बाहर हो गया सेंटर ठीक है ना। ये तो ब्रैकेट लगसन रबड़ा पैसन आ जाओ पीछे ऐसा सनसर वाशल ना काबला भी ढह पे होगा वाशल भी पैसे काबले भी लग सन ठीक है। दूए नंबर है गोडे ना बूट पट्टे ये भी पवा लो मिस्त्री को एक तरह फिर ना धागा तो पा लो धागा बिच ग्रीस निकल गई वास पा के सी ये लॉक होते हैं गाड़ी के साइलेंसर के, यहाँ से यहाँ तक एक लॉक लगा होता है और इधर से इधर, क्योंकि ये गाड़ी लगने की वजह से ये लॉक टूटे हुए हैं और अभी ये रिपेयर करवाने के चक्कर में आया हूँ। और ये उस्ताद हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं माशाल्लाह। देखना है आपकी वीडियो काम करते हैं ताकि हमारा नवा कटाना खुले होगा कोई नहीं ना। उस्ताद जी ये बताएं किस जगह से डैमेज है गाड़ी? गाड़ी का ये जो एग्जॉस्ट है ना इसकी दो ब्रैकेट टूटी हुई हैं। अच्छा, इस साइड पे एक ब्रैकेट वेल्ड होगी ठीक, इधर साथ रबड़ लगेगी, फिर दूसरी इसके साथ रबड़ लगेगी। आगे से सिलेंसर वाशर लीक है, इसके दो काबले होते हैं, एक काबला कहीं गिर गया दूसरा काबला लगाना पड़ेगा साथ। अच्छा, इंशाल्लाह आवाज़ ख़त्म हो जाएगी ठीक। तो कितने टाइम में तैयार होगी गाड़ी? टोटल 20-25 मिनट लगेंगे। अच्छा 25 मिनट, चलो ठीक है, आप स्टार्ट करें काम, इंशाल्लाह देखते क्या होता है। सही है। Thank you.
ये किस चीज का नेट है? ये आगे सिलेंसर वाशर वाला इंग्लैंड। अच्छा, सिलेंसर वाशर वाला है। सो गाइस, ये गाड़ी का निचला हिस्सा है, सिलेंसर जहाँ पे होता है। ये गाड़ी यहाँ से लगी थी, इस जगह से सिलेंसर के ये जो लॉक जो हैं वो टूट गए थे, और इसका पीछे नट वगैरह जो फिट किया हमने। तो दिखाने का मतलब ये था कि आप गाइस, आप में से भी ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये ख्याल रखिएगा जब गाड़ी लगती है तो ये मसला भी हो सकता है। ये आसान तरीका इसका यही है ठीक करवाने का, और ख़ुद ब खुद इंसान साथ साथ उस्ताद के साथ रहें खड़ा, और ख़ुद भी काफ़ी चीज़ें इंसान देखने से सीख जाता है। और ये गाड़ी है, और जब गाड़ी मैंने फिट करवा दी, अभी क्लियर है गाड़ी, अभी रेडी है, रेडी हालत में अब ये जा रही है। ये ओके गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।